इनसे मिलिए, ये है कमल किशोर मंडल, भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक नियुक्त होकर के काउंसलिंग के लिए आए। जुलाई में काउंसलिंग भी हो गई, इनके साथ तीन अन्य अभ्यर्थियों ने ज्वाइन भी कर लिया मगर इन्हें रोक दिया गया। वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल भागलपुर विश्वविद्यालय के अंबेडकर विचार विभाग में नाइट गार्ड की नौकरी कर रहे कमल किशोर मंडल सहायक प्राध्यापक तो बन गए, काउंसलिंग प्रक्रिया भी पूरी हो गई, मगर ऐन मौके पर उनको ज्वाइनिंग देने से इसलिए रोक दिया गया कि आपने यही नौकरी करते हुए नियमित पढ़ाई कैसे कर ली। मेरे साथ चार लोगों की नियुक्ति हुई, चार लोगों का चयन हुआ, लेकिन हमको रोक दिया गया, बाकी लोग का हो गया। हमें ये समझ नहीं पा रहा था किस कारण से रोका गया और हमको कोई कारण भी नहीं बताया गया, है ना। तत्पश्चात मैंने संपर्क किया जनरल सेक्शन ए से, तो पता चला कि आपका जो है कमेटी बैठी है, कमेटी जांच करेगी, उसके बाद आपका निर्णय लिया जाएगा। आपको अभी हटाया नहीं गया है, आप पे चल रहा है, कार्रवाई चल रहा है, देख हो जाएगा, आश्वासन मिला हो जाएगा, आप वेट कीजिए। तो हमने कोशिश किया कि ठीक है, वेट किया, कहीं भी इधर उधर हम कुछ भी इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं किया, कहीं बताया नहीं कुछ, अपने लिए काम कर वेट एंड वॉच के क्या निर्णय आता है। और निर्णय अब जो है बंद हो गया है, जैसे निर्णय आता है जो होगा मेरे लिए मान्य होगा, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और हम चाहते हैं कि नियम संगत काम हो ताकि हम आगे किसी तरह की समस्या में न फंसे। दरअसल कमल किशोर ने भागलपुर विश्वविद्यालय में नौकरी करते हुए राजनीति विज्ञान से पीजी की, उसके बाद पीएचडी की, 2018 में नेट क्वालिफाई किया और फिर विश्वविद्यालय सेवा आयोग के जरिए सहायक प्राध्यापक नियुक्त हुए। मामला कुलपति के पास पहुंचा तो उन्होंने पूरे मामले की छानबीन के लिए चार सदस्य कमेटी बना दी। कमेटी ने सोमवार को बैठक कर ली जिसकी रिपोर्ट पर अंतिम फैसला होगा। कमल किशोर मंडल मामला जो बात सामने आई है, तो हम लोग एक कमेटी बनाए हैं, वीसी साहब के आदेश से कमेटी बनी है और कमेटी की बैठक भी हो चुकी है। एक दो दिन में कमेटी का रिपोर्ट भी आ जाएगा और कमेटी का जो रिपोर्ट आएगा, जो पेपर देखने के बाद कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट मिलेगा, उस रिपोर्ट के आधार पर ही हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कमेटी का रिपोर्ट अगर मान लें कि सही पाया गया तो हम लोग उनको सही आदेश देंगे, अगर कमेटी का रिपोर्ट फेवर में नहीं आया तो उस अनुसार, लेकिन जो नियमतः कमेटी का जो रिपोर्ट आएगा, काहे कि कमेटी सक्षम, कमेटी जो बनी है वो सक्षम कमेटी है और उनका रिपोर्ट ही मान्य है, तो कमेटी की रिपोर्ट आने तक हम लोग प्रतीक्षा करेंगे। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। अगर विश्वविद्यालय से अनुमति लेकर ही काम किए होंगे तो निश्चित है कि विश्वविद्यालय द्वारा दी गई अनुमति पत्र उसमें संलग्न होगा उनके डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो हम लोग उसका हम लोग वेरीफाई करेंगे कि वास्तव में वो विश्वविद्यालय से उनको परमिशन मिला या नहीं। जिस समय ड्यूटी कर रहे थे उस समय उनका क्लास मॉर्निंग चलता था या डे चलता था, विश्वविद्यालय प्रशासन वहाँ जो जहाँ वो उनका जो क्लास चलता था वहाँ के एचओडी ने या वहाँ के प्रिंसिपल ने क्या अपना मंतव्य दिया, इन सब बिंदुओं को हम लोग तहकीकात करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। टीएमबीयू प्रशासन का कहना है कि यदि विश्वविद्यालय ने पढ़ने की अनुमति दी है तो उन्हें योगदान का मौका अवश्य दिया जाएगा। इसके पहले जांच कमेटी की रिपोर्ट देखी जाएगी। बहरहाल रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन इस बात की चर्चा है कि अपनी कठोर लगन से नाइट गार्ड की ड्यूटी करते हुए इस मुकाम को हासिल किया है। राजीव सिद्धार्थ की रिपोर्ट, बिहार तक।